दोस्तों कैसे हैं। आज टाटा मोटर्स पे थोड़ी बढ़त दिखाई है। टाटा मोटर्स का व्यू लेके आया हूँ और थोड़ा निफ्टी पे भी व्यू लेके आया हूँ, दोनों कंबाइन था तो मुझे लगा कि आप लोग कहीं ट्रैप नहीं हो जाए। टाटा मोटर्स देखिए थोड़ा बढ़त दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस चार्ट पे 2-3 दिन से बढ़त दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक दो लेवल है अभी जो 21 डेज 172 है और उसके बाद 188 है। तो ये दो लेवल है जो आपको 188 और 172, तो ये दो लेवल आपको वॉच करने पड़ेंगे और दो लेवल पे आपको वाच रखना है। हो सकता है कि यहाँ से आपको वापस ये ट्रैप होते हुए दिखाई दे, तो आपको इसमें मेरे अंदाज से आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, लेकिन आपको यही एडवाइस मिलने वाला है कि इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाए। अगर कोई फंसे हुए हैं तो उनको निकलना चाहिए। पहला लेवल है 172 और दूसरा लेवल है 188। ये दो लेवल क्रॉस नहीं, ये लेवल मैक्सिमम से मैक्सिमम 188 क्रॉस करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। मुझे तो 172 पे भी डाउट है कि वो 172 भी क्रॉस करेगा ये। चलिए अगर करता भी है तो कोई बात नहीं, आज क्या हुआ देख लेते एक बार। यहाँ पे देखेंगे 1,22,35,000, एक यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर ने 1,00,000, 1,22,00,000, 1,23,00,000 से वॉल्यूम किया है यहाँ पे। और डिलीवरी देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टाटा मोटर्स की जो डिलीवरी दिखेगी आपको, एक मिनट, टाटा मोटर्स की डिलीवरी, ये देखिए टाटा मोटर्स की डिलीवरी देख लेते हैं। तो 25% के 1,22,00,000 में 31,00,000 की डिलीवरी हुई है। और ये अभी रिसेंटली 11 दिसंबर को 154 का लो बनाया है, तो फिर से एक बार लो टेस्ट करेगा ये। और 135 जो लेवल मैंने आपको दिया वो जाएगा ही जाएगा, मुझे पूरा बिलीव है कि ये जाएगा, क्योंकि इसका फाइनेंशियल कोई भी सुधरा नहीं है। सिर्फ आज के ट्रेंड से मार्केट में ये कुछ न्यूज आई थी कि रेट बढ़ा रहे हैं, गाड़ी का रेट बढ़ा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा ये आपको 1 तारीख से शायद 1 जनवरी से 40,000 रुपये कुछ बढ़ा रहे हैं, तो उसके न्यूज के कारण में थोड़ा स्पाइक आपको देखने को मिला। और कोई भी रीजन नहीं है, फिर से आप फंसना नहीं है इसमें, सिर्फ ये आपको वार्निंग देने के लिए कि आप फंस मत जाइएगा। अब ये देखिए इसका जो डेमा है, पहला जो डेमा है इसका 165, ये क्लोजिंग दिया है 166.85 रुपये पे, आज 13 तारीख है, तो इसने 13 तारीख को क्लोजिंग दी है 166.65 रुपये पे। इसका जो सेकेंड 21 दिन का जो आप देखेंगे मूविंग एवरेज है वो 172 का है, और उसके बाद जो देखेंगे 188 का है। तो ये तो लेवल क्रॉस 188 करने वाला ही नहीं है, आप लिख लो कि नहीं करने वाला है, ये किसी हालत में कुछ नहीं हो सकता, इसको 188 ये क्रॉस नहीं करने वाला है। तो आपको अपर साइड में अगर आप फंसे हैं तो आपको निकलना है, और अगर कोई फ्यूचर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो जितना अपर जाएगा इसको शॉर्ट कर दीजिए। तो दो ऑप्शन है आपके पास, ऊपर साइड में इसको शॉर्ट करना है और नीचे साइड में आपको, और अच्छा खासा अगर टाटा मोटर्स का अगर कोई ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन चेन भी टाटा मोटर्स का दिखाते हैं आपको। आप देखेंगे अभी ये 166 रुपये की क्लोजिंग दिया है 27 दिसंबर का है, तो एट द मनी 165 का देखेंगे तो आप देखेंगे कॉल से राइटिंग अनवाइंडिंग हो रहा है और पुट की ओर राइटिंग हो रहा है। रेट बढ़ने के बावजूद आप खुद एनालिसिस कीजिए कि लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि नीचे की ओर जाएगा, अब पुट साइड में बाइंग हो रही है और कॉल साइड में अनवाइंडिंग हो रही है, हर लेवल पे कॉल साइड में अनवाइंडिंग है, तो आप क्या अनुमान लगा रहे हैं। किसी भी तरह से इसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है, आपको वापस ये आपको 160 की बिलो दिखा सकता है, तो आप 165 का 3.50 रुपये पे आज के डेट में आपको मिल रहा है पुट, आप चाहें तो इसको बाय करें, आपको यहाँ से 2-4 रुपये 6 रुपये तक का भाव जरूर से जरूर दिखा देगा ये मंथ के एंड तक। फिर भी कोई भी पोजीशन बनाए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। आज 165 की क्लोजिंग हुई है 3.50 पे, कल वापस ये अब जाएगा आपको लोअर लेवल पे मिलेगा 165 का, ये एक बार आपको मोस्ट प्रोबेबली ये 172 के आसपास जाएगा, उस समय आपको 170 का बाय करना चाहिए जो कि वापस आपको 3 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो जितना अपर साइड जाएंगे और उसको लोअर रेट पे लेंगे तो उतना जल्दी जब नीचे आएगा तो आपको पहले वैल्यू देखने को मिलेगा। तो इस कंसेप्ट से आप 5-5 रुपये ऊपर जाए तो आप अपने रेट को वैसा करके आप अपवर्ड डायरेक्शन में लेके कर सकते हैं, बट कभी भी सेम रेट पे एवरेज नहीं कीजिए। अगर आपने 165 का बाय कर लिया तो वापस 165 का बाय नहीं करना है, करना है तो 170 का बाय कीजिए। तो जैसा भी जो उसका डाइवर्शन है उस रूट पे आप जाकर के, अपर साइड है तो अपर साइड के रेट पे जाके कीजिए, ना कि लोअर साइड पे। तो पुट के साइड आपको पोजीशन बनानी है, जो भी पोजीशन बनानी है, कॉल पे बनानी नहीं है, पुट पे ही बनानी है। और आप और अच्छा अगर रहेगा आप जनवरी का बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जनवरी के पुट आपको मिल जाएगा 165 का, आपको यहाँ पे 8.10 रुपये में मिल रहा है, कल और नीचे मिलेगा तो हो सकता है 5 से 6 रुपये पे मिल जाएगा। तो जनवरी का अगर पुट का पोजीशन बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। चलिए आप जनवरी का नहीं भी बनाते हैं, आप दिसंबर का बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको फाइनेंशियल एडवाइजर आपको दे वैसा बनाइए, बट आपको कॉल साइड नहीं बनाना है, पुट साइड में बनाना है, आपको सेल करके चलना है, बाय करके नहीं चलना है। ये 172 दिखाने दीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अब इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस क्या कोई बता सकता है, बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका है। और एक बार आज निफ्टी देखें तो निफ्टी देखेंगे, आज निफ्टी पे थोड़ा सा आपको देता हूँ कि निफ्टी बहुत अच्छा चल रहा है, ये अप ट्रेंड में जा रहा है। आप देखिए इतनी गिरावट के बाद, इतनी मंदे के बैड न्यूज आने के बाद इलेक्शन में, जो मैंने बोला था बैड न्यूज आएगा इलेक्शन में, वैसे ही आपको देखेंगे। वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं, अगर कोई पुट पे पोजीशन बनाया होगा तो अच्छा खासा इलेक्शन के पहले कमाया होगा। इलेक्शन के बाद जिस दिन स्टॉप कर दिया था, मैंने बोला था आपको कि नहीं बनाने का, उस दिन आपको नहीं बनाना था, और अगर किसी ने बनाया होगा तो उस दिन उसको बहुत ही लॉस हुआ होगा। तो पुट पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। वापस अगर आप देखें एक बार, मैं आज देख लें क्या दिखा रहा है, तो 10791 का देखेंगे आज क्लोजिंग दिया है, और 10729 एडवांसेस है, 20 डिक्लाइन है, एक अनचेंज है। और अच्छा यस बैंक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है आपको, यस बैंक पे 6 रुपया, क्योंकि इसका कोई डिसीजन नहीं आया था आज। कोई बात नहीं, डिसीजन आ जाएगा, आप इसे वरी मत कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा नीचे जा रहा है, आप बाई कीजिए, लॉन्ग टर्म के पोजीशन वाले बाय करके रखिए इसको, 160 बहुत ही अच्छा लेवल है। जिस दिन ये न्यूज आएगा वापस 190 आ जाएगा, तो आप इससे नीचे पे आपको मिले तो अच्छी चीज़, अच्छी चीज़ अगर आपको नीचे पे मिलती है। अगर को आपको गोल्ड अगर 10,000 में मिले तो आप बाय करेंगे कि सेल करेंगे? तो सिंपल सी, आप जिस चीज़ को जानते हैं, जिस चीज़ को मानते हैं, और वो अगर नीचे की ओर जा रहा है तो आपको बाय करना चाहिए, ना कि सेल करना चाहिए। मेरे अंदाज़ से यस बैंक अगर नीचे की ओर जा रहा है, सिर्फ इस डिसीजन से ये उठा था कि यस बैंक का कोई नया आदमी आएगा, और चूंकि अभी RBI गवर्नर चेंज हुए हैं, तो वापस बोर्ड की मीटिंग आज इनकी जो है एक्सटेंड हुई बिना डिसीजन के, वापस बोर्ड मेंबर को रिकॉल किया गया। तो हो सकता है राणा कपूर को, मेरा अपना ऐसा मान्यता है, हो सकता है राणा कपूर को एक्सटेंशन दे दिया जाए, या उनके कोई भी एक मेंबर जो होंगे डायरेक्टर के रूप में, इंटरनल डायरेक्टर के रूप में होंगे, मतलब किसी ना किसी तरह से राणा कपूर का इन्वॉल्वमेंट वापस हो सकता है यस बैंक में देखने को मिले, तो वहाँ आपको यस बैंक में फायदा देखने को मिलेगा। सन फार्मा में पहले भी निगेटिव था, मैं आपको पहले भी बोला था, हाँ, लेकिन इसका 403-402 पे बहुत ही 390 पे इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 390 अगर ब्रेक करता है तो आपको 350-345 तक आपको जाएगा। ये टाटा स्टील बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है, यार मैं आपको इसका कॉल भी बोला था, अगर किसी ने कॉल लिया होगा 2 दिन में तो निकाल भी लिए होंगे पैसा, वापस आपको कॉल में बनना चाहिए। TCS बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए सब बहुत अच्छे हैं। और अब टाटा स्टील तो जनवरी के एंड तक आपको यहां से टाटा स्टील 580-585 का रेट दिखा देगा। तो आपको टाटा स्टील अभी भी अगर कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अच्छा खासा आपको फायदा होने वाला है। आप देखेंगे नन NBFC बहुत अच्छा आज चला है, सभी चले हैं, क्योंकि जो गवर्नर जी आए हैं शायद उसमें फंड का इन्फ्लेशन करे तो आपको फायदा हो। तो इंडिया पुल हो, चाहे DHFL हो, सारे नन NBFC चले हैं। तो फिर भी देखें इंडिया पुल आज के टॉप गेनर है, इंडिया पुल, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस, विप्रो, मारुति। विप्रो 339 पे है, और हो सकता है कि विप्रो कल आपको अच्छा खासा 350-360 का लेवल भी दिखा सकता है कल विप्रो आपको। तो विप्रो में अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो बहुत ही अच्छा है। मारुति वापस अपने 366 के अच्छे लेवल पे खड़ा है, तो हो सकता है एक बार आपको 700-800 को मारुति दिखा दे। तो ये सारे अच्छे लेवल पे भी खड़े हैं। और निफ्टी अभी मुझे जो दिखता है, निफ्टी में पॉजिटिव दिखता है, जिसको जैसा देखना देख सकते हैं। आज निफ्टी की आज देखें निफ्टी तो आप 27 दिसंबर के 7991 10800 से थोड़ा सा लोअर क्लोज हुआ है। अगर ऊपर क्लोज होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन 10800 एट द मनी पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो कॉल में अनवाइंडिंग हुआ है, पुट पे इसका 13 लाख का सपोर्ट हुआ है। आज देखिए 10800 पे 28 लाख का आज सारा फुल वॉल्यूम 10800 पे, मीन्स 10800 के पुट पे कितना अच्छा सपोर्ट है इसको बन रहा है 28 लाख का, और 10700 पे 30 लाख का। तो 10800-10700 पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट है, और किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता है अभी हाल फिलहाल में 10600 ये तोड़ेगा। तो 10600-10700-10800 पे इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और मेरा अगर व्यू माने तो अब ये 11200-11100 जरूर एक बार दिखाएगा। ये उसके कारण भी है, देखिए 11000 पे 579000 का राइटिंग हो रहा है, 11100 पे 243000 का राइटिंग हो रहा है। आज के डेट में आप देखेंगे नीचे लेवल से अनवाइंड हो रहा है, सब लोगों को कॉल या नीचे लेवल पे जो भी पोजीशन बनाए थे सब ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो आप देखेंगे 10900 पे शिफ्ट हो रहे हैं, उसके बाद 11000 पे शिफ्ट हो रहे हैं, 11100 पे हो रहे हैं। तो लोग अभी 11300 तक की पोजीशन बनाए, 11400 पे भी लोग पोजीशन बना रहे हैं। तो निफ्टी में अप ट्रेंड दिखता है, एक अच्छा खासा निफ्टी में अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है मेरे अंदाज से, ऊपर नीचे इसमें जो भी हो, बट एक बार आपको निफ्टी 11100-11200 इस महीने में शायद आपको दिखाना चाहिए। और 11000 पे 50 लाख का व्यू है, और 11500 पे 28 लाख का। तो सबसे ज्यादा पोजीशन जो बनी हुई है 49-50 लाख की, वो 11000 पे बनी हुई है। तो एक बहुत बड़ा अच्छा खासा रेसिस्टेंस 11000 पे, तो वहां पे उसको क्रॉस करना एक बहुत बड़ा टफ काम भी है। तो 11000 एक निर्णायक लेवल होगा, जिस दिन क्रॉस करेगा 11200 आपको दिखा देगा।
तो 11,000 एक बहुत ही अच्छा है, और 11,000 क्रॉस करता तो 11,200 में जाने में इसको देर नहीं लगेगा, आपको सेम डे भी 2 दिन में दिखा देगा। तो नीचे आज जो अब जो निफ्टी का पोजीशन बन रहा है वो जो मुझे समझ में आ रहा है 10,600 से 11,000 के रेंज में बन रहा है। तो 10,600 से 11,000 के रेंज में अभी ये काम करेगा। नीचे 10,600 पे, 700 पे और 800 पे बहुत ही अच्छा, 810-800 पे सपोर्ट बना है बहुत अच्छा। तो नीचे निफ्टी का रेंज 10,600 से 11,000 का रेंज बनता है। अब ओपन इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा पोजीशन 11,000 पे है, सबसे बड़ा रेसिस्टेंस 11,000 पे है, और नीचे देखेंगे तो आपको 10,600 पे 31 लाख का है। तो नीचे 10,600, ऊपर 11,000, ये शॉर्ट रेंज है। ऊपर की रेंज में 10,600-10,800 और छोटा रेंज चाहिए आपको तो 10,800 से 10,000-11,000 ये रेंज है। हो सकता है निफ्टी जब भी हो आपको कल अगर बैंक में अच्छा खासा बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी भी अच्छा क्लोजिंग दिया है, अगर बैंक निफ्टी कल किसी तरह से अगर आरबीआई के अच्छे खासे निष्कर्ष आते हैं और कोई भी फंड इन्फ्लूजन का बात आता है तो हो सकता है आपको 10,950-10,900 आपको कल परसों के 2 दिन के अंदर कल मिल जाए या मंडे को गैप अप ओपनिंग के साथ मिल जाएगा आपको। तो हो सकता है जल्दी मिल जाए, और अगर कोई कंक्लूजन नहीं आता है तो हो सकता है एक बार थोड़ा सा नीचे नीचे की ओर जाए, बट 10,600 नहीं तोड़ेगा किसी भी हालत में, मुझे ऐसा फील होता है। तो 10,600 लोअर साइड में और अपर साइड में 11,000, हो सकता है निफ्टी बीच में ट्रेवल करे, बट इस महीने की क्लोजिंग आपको 11,200 हो सकता है एक बार जाकर के ही रहेगा, और 11,000 एक बार आपको दिखाएगा। तो निफ्टी पे ओवरव्यू है, टाटा मोटर्स पे वापस आ जाते हैं जिस स्क्रिप्ट के लिए मैं आया था। तो टाटा मोटर्स पे आपको कोई बाइंग नहीं करनी है, ऊपर लेवल पे सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है। ये 190 क्रॉस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, इसका कोई भी चीज़ खाली रेट बढ़ाने से इसका सेल नहीं बढ़ने वाला, इनफैक्ट सेल पे असर भी आएगा। रेट अगर ये 1 तारीख से बढ़ा रहे हैं तो ऐसी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि लोग इन्हीं के ब्रांड को खरीदें। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे एजुकेशन पर्पस है, आप कोई भी डायरेक्ट मार्केट में पोजीशन ना बनाए मेरे कहने से, तो एकदम नहीं बनाए, ये सिर्फ एनालिसिस है, आप भी देख सकते हैं। और चार्ट पे भी आप टाटा मोटर्स को देखें तो चार्ट पे भी दिखा दिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट गिरने का टाइम आ गया इसका, तो ये गिर भी जाएगा 180। जैसा आपको डेमा बताया, 2 डेमा आपको बताया टाटा मोटर्स पे, कि इसका 21 दिन का डेमा है 172 और 50 दिन का टेमा है 188, तो 188 ये क्लोज नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको नहीं पोजीशन बनानी चाहिए, और अगर कोई ट्रैप हुए हैं तो बेस्ट पोजीशन, अगर मान लीजिए आप 300 पे ट्रैप हुए हैं, 300 पे बाई किए और 188 पे निकल के वापस 130 पे खरीदते हैं, तो आपको ज़्यादा फायदा दिखता है, या आप इसको नीचे की ओर एवरेज करके अपने मनी को फंसा के रहना चाहते हैं। ये उठेगा कितने साल में उठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे अंदाज से आपको यहाँ टॉप अपर लेवल पे पोजीशन आउट होनी चाहिए, आपको पोजीशन एग्जिट करना चाहिए। अगर आपको बहुत शौक है तो 135 पे बाय कर लेना वापस इसको, और जब तक ये 232-233 क्रॉस नहीं करता इस पे आपको पोजीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं। अपर लेवल पे वापस पोजीशन बना लीजिएगा, आपको जल्दी से आपका टारगेट एग्जिट हो जाएगा, रेदर देन आप इसको 2-3-4 साल जब तक जगुआर का बिजनेस ओके होगा उसके बाद ही इसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। जब तक जगुआर का बिजनेस का कोई डिसीजन नहीं होता है इसमें कोई पोजीशन, रेट बढ़ाने से कोई पोजीशन नहीं बन जाता है। तो वापस टाटा मोटर्स पे मेरा नेगेटिव व्यू है, फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देख के बात करके वापस जो भी पोजीशन मार्केट में बनानी हो बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।